यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलो बात करेंगे यूपी की, जहां दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से 9 साल की मासूम बच्ची के साथ 13 साल की लड़की ने के दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। मामला मैनपुरी की काशीराम कॉलोनी का बताया गया है। एक 13 साल की लड़की ने 9 साल की बच्ची को चांदी की अंगूठी देने का झांसा दिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही लड़की की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने भी जल्द कार्रवाई करते हुए लड़की को पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पूरा मामला ये है, हम थे नहीं घर पे, हम तो भाई मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारी बच्ची छत पर खेल रही थी, ये छत पर से हाथ पकड़ के लाया, ये कमरे में ले जा रहा था, हमारी बच्ची गिर पड़ी तो इसने कमरे में ले हाथ पकड़े हुए इसका मुंह मींज लिया, अंदर गेट लगा लिया। इससे बोला जो मैं करा मुझे कर लेने दे, मैं तुझे चांदी का अंगूठी दिलवाएंगे। इन्हें ये कह दी कि हम नहीं, मेरी मम्मी पता चल गई तो मुझे मार डालेगी, तो क्या नहीं मारने दें, साथ गंदे काम किए। उसे बोला है कि अगर तूने किसी को बता दिया तो तेरा हम जो लाइन पुलिस में लड़की मारी है ऐसे ही तुझे मार देंगे अगर तू किसी को बता दिया तो इस वजह से इसने हमें बताया नहीं। हमने और के मुंह सुने, बच्चों के मुंह सुने, तब ने इससे पूछा, इस बिटिया ने हमारी जब बताई, अब हमारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काशीराम नगर कॉलोनी में एक नाबालिग अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना रिपोर्ट उसकी माँ ने यहाँ कोतवाली में कराई है। उस संबंध में 376 और पास्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके लड़की को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।